देखो महिलाओं ने जो है मोदी पे किया वार, और आज जो है वो महिलाओं की जो जीत हो गई है, देखो आप क्या माहौल है। और आप देख सकते हो कांग्रेस मुख्यालय में कि जश्न का माहौल है, क्योंकि इतना अच्छा हम लोगों को जो रिज़ल्ट मिला है वो एक गरीब की जीत है, किसान की जीत है, नारियों की जीत है। जहां हम नरेंद्र मोदी म पे महिलाओं पे तो कुछ बोले नहीं, मंगलसूत्र पे बोले, फिर मुजरे पे आ गए, तो महिलाओं पे जब उनके पास शब्द नहीं था तो महिलाओं ने अपना सब रूप दिखा दिया। और मोदी जी को अब इस चीज़ का एहसास हो गया होगा कि घमंड तो रावण का भी नहीं रहा था तो इनका कहाँ से रहेगा। 400 पार जैसी बात करते थे, मैंने आपको तब भी कहा, आज भी कह रही हूँ, बहुत बड़ा जुमलेबाज कल भी था, आज भी है और आगे भी रहेगा। एक अकेला सब पे भारी है, पार्लियामेंट में बोले थे, कहाँ भारी है, पूरे देश का गरीब, किसान, नारी, युवा उस पे भारी है। नरेंद्र मोदी को आज अपनी असली औकात पता चल गई होगी कि नरेंद्र मोदी कुछ नहीं है। कहते थे जान नहीं बचा पाए वो अपनी, तो इतनी थोड़े देश का प्रधानमंत्री इतने कम मार्जिन से जीतता है क्या, जिससे वो जीते हैं? कहां 6 लाख से जीते थे और आज उनका क्या हाल है? 6 लाख से जीते थे 2019 में, आज क्या हाल है? वो तो उनको तो खुद शर्म से चुलू भर पानी में डूब जाना चाहिए और खुद इस्तीफा दे देना चाहिए। मोदी जी ने बहुत तरह के दावे किए थे, बयानों पे तो बात हो ही गई, अब जो रिजल्ट आया है, ना तो बीजेपी खुद बहुमत पा रही है ना 400 पा रही, लग रहा है बीजेपी का वो घमंड, वो तानाशाही रवैया कम हो। बिल्कुल, आप देखो ना, अभी तक अगर चुनाव पहले जो होते रहे हैं उन चुनावों में 2019 का आप उठा के देख लो, इसके आपने देखा होगा कि 4-5 बजे इनके ढोल नगाड़े, लड्डू, फूल, स्वागत, प्रेस कॉन्फ्रेंस डिक्लेयर करना सब चालू हो जाता था। कहाँ हैं, शांत बैठे हैं, क्योंकि अब ये मुंह दिखाने लायक नहीं बचा ना, मुंह किस कहाँ किसको दिखाएंगे मुंह, क्योंकि इन्होंने जो है जनता को ललकारा, इन्होंने अपने आप को भगवान से भी उच्च बना लिया, तो जो है जनता ने अपना जो है जनादेश सुना दिया कि तुम भगवान तो क्या, तुम इंसान के लाने लायक भी नहीं हो। जो महिलाओं के साथ घृणित अपराध करता रहा, वो रवन्ना के तुम कंधे पे हाथ दे रहे थे, ऐसे घृणित अपराधियों का साथ दान देने वाले प्रधानमंत्री जो रहे उनको कौन साथ देगा? अब ये देखिए कि उनका घमंड क्या, उनका क्या क्या नहीं टूटा कि 400 पार का नारा देने वाले, लोकतंत्र के साथ खेलने वाले, अंबेडकर जी के संविधान के साथ खिलवाड़ करने वाले जो माननीय हमारे प्रधानमंत्री जो रहे, उनको आईना दिखा दिया जनता ने कि आप कुछ नहीं कर सकते हो, ये हिटलरबाजी से सरकार नहीं चलती है। जनता ने पलटी मारी और चक्रव्यूह के उनके सामने है कि क्या जनता ने जो सोचा वो करके दिखाया।